हेलो फ्रेंड्स, तो प्रोग्रेस न्यू ब्लॉग में आप सबको बहुत सारा वेलकम। सो आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे, और जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद, और जो भी मेरे नए जुड़े हुए दोस्त हैं उनको बहुत सारा वेलकम। और आज का मेरा, जो मैं गांव में रहती हूँ तो दिन भर में मेरा काम ही रहता है, तो उसी टाइप का कुकिंग और घर का काम उसी टाइप का ब्लॉग है। सो आई होप गाइस आप सबको अच्छा लगे। अच्छा लगने से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। सो बने रहिएगा आज का मेरा इस ब्लॉग के साथ। तो अभी बर्तन साफ करने के लिए कुछ इस तरह का सामान यूज करूंगी। इस तरह का पत्ता जो कड़ा कड़ा रहता है थोड़ा बहुत, इससे अच्छा से साफ हो जाता है। तो यही वाला तोड़ देंगे तो अभी। तो इस तरह से मैं गांव में रहती हूँ, तो गांव में कुछ इस तरह का बर्तन में पानी भर कर रखते हैं, जो कि हम लोग इसको घैला बोलते हैं नेपाली में। तो उसको हफ्ता में एक बार, नहीं तो तीन रोज को ही कुछ इस तरह से साफ करके रखती हूँ, ताकि पानी और बर्तन दोनों ही साफ रहे। तो कुछ इसी तरह से मैं पानी तो रोज़ को ही भरती हूँ और साफ भी रोज को ही करती हूँ। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने शेयर किया है, आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो सुबह का कुछ इसी तरह का काम रह जाता है, जो कि साफ सफाई में। तो यहाँ पर मैं अभी साफ कर रही हूँ, जो कि गंदा सब रह जाता है डाइनिंग टेबल में ज़्यादातर ही, तो कुछ इसी तरह से साफ करना पड़ता है मॉर्निंग को ही। तो आज का मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह का है। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैंने खा लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए आ गई। आज मैं कुछ इस तरह का सब्जी बनाऊंगी, जो कि आलू, झिंगनी और बैंगन भाजी और दाल और पपीता, जो कि मिक्सचर करके, और सोयाबीन का अचार। कुछ इस तरह से आज का मैं लंच बनाऊंगी। मैं यहाँ पर झिंगनी कट कर रही हूँ, जो कि मैं अभी लंच में बनाऊंगी। तो यहाँ पर कई सारे सब्जी है जो कि लंच में मैं बनाऊंगी। वैसे मैंने पपीता और दाल कुकर पे चढ़ा दिया है, क्योंकि आज मुझे खाना बनाने के लिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने दाल चढ़ा दिया है गैस पर ही। तो मैं सिर्फ सब्जी चूल्हा में बनाऊँगी। तो आज मैं बैंगन भाजी कुछ इस तरह से कट लगाऊँगी, जो कि रोज को एक ही टाइप का कर बैंगन भाजी अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ दूसरा टाइप का, मतलब दूसरा कटिंग टाइप का करके, स्लाइस में कट करके उसका आज मैं बैंगन भाजी बनाऊँगी। तो अभी कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर फिर एक बार लिपाई कर लूँगी, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना है। और वैसे भी अभी बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो जल्दी नहीं सूख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर गीला गीला अभी भी पड़ा हुआ है कुछ इस तरह से। तो मैं हल्का कम ही लिपाई करूँगी, हल्का ही, ताकि मुझे खाना बनाने में दिक्कत ना पड़े। तो सब्जी सब कट करने के बाद मैं यहाँ पर किचन पे नहाकर चूल्हा लिपाई करने के लिए आ गई, जो कि अभी बाहर बारिश भी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि जल्दी सूख नहीं जाता है ये लिपाई करने से, वो गीला ही रह जाता है, तो खाना बनाने में दिक्कत रहता है। तो इसीलिए मैं हल्का ही लिपाई कर रही हूँ कुछ इस तरह से।
लिपाई करने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। लुकिए, कोना कोना का नहीं सूख रहा है पानी के चलते, तो अभी कुछ इस तरह का लग रहा है। तो ये मैं थोड़ा बहुत सब्जी में और थोड़ा बहुत अचार में डालूंगी, इसलिए अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ पहले, ताकि अचार में पीसने के लिए सुविधा हो। इसीलिए इसको मैं बहुत ही क्रंची टाइप में फ्राई करूंगी, जो कि देखिए आग भी बहुत ही तेज किया हुआ है कुछ इस तरह से। तो मैंने सब्जी के लिए कुछ इस तरह का लहसुन, अदुआ, प्याज कुसानी ले लिया है, तो ये डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर, जो कि घर पे ही पिसा हुआ। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत सोयाबीन भी डाल दिया है, जिससे ज्यादा हुआ था तो और भी टेस्टी होगा। भी यहाँ पर मैंने चटनी के लिए खुरसानी, लहसुन और नमक ले लिया है, जो कि मैं सोयाबीन का अचार बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो आज का मेरा लंच हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर सोयाबीन का अचार, ये सोयाबीन का अचार और ये बैंगन भाजी और ये झिंगनी आलू और सोयाबीन भी डाला हुआ है इस पे, और ये रहा मेरा पपीता लगाया हुआ दाल कुछ इस तरह से, जो कि मैंने इसी पे पपीता लगा दिया हुआ है। आज का लंच कुछ इस तरह का है। तो आज का थाली कुछ इस तरह का लग रहा है। तो आज का थाली कुछ इस तरह से सब्जी। आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। सो अच्छा लगने से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मुझे डे बाय डे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय, थैंक यू।